हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हंगामे के आरोप में राज्यसभा से निलंबित सांसदों का रात भर चला रजगा। सुबह सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे उपसभापति हरिवंश, सांसदों ने चाय पीने से इनकार किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के कदम की तारीफ की, लिखा जिन लोगों ने अपमानित किया उनके लिए चाय लेकर जाना उनकी महानता को दर्शाता है। किसान बिल से जुड़े तीसरे एसेंशियल कमोडिटीज संशोधन बिल को राज्यसभा से पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। सोमवार को हंगामे के कारण बिल पेश नहीं हो सका था। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार एमएसपी पर उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक मौजूदा सत्र का वो बहिष्कार करेगी। किसान बिल का चौतरफा विरोध देखते हुए सरकार ने किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अखबारों का सहारा लिया है, अफवाहों पर सफाई दी गई है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर किसानों से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की है। पंजाब के मशहूर गायक जसबीर जस्सी ने इसमें गाना गाया। निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंची अभिनेत्री पायल घोष, महिला पुलिस अधिकारी न होने से नहीं दर्ज हो सका केस। बॉलीवुड की ड्रग्स चैट में अब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया। दीपिका और करिश्मा प्रकाश की डी और के नाम से व्हाट्सएप चैट सामने आई। दीपिका ने चैट में पूछा माल है क्या। ड्रग्स कनेक्शन में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर सकती है एनसीबी। आज जया साहा, श्रुति मोदी और करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुंबई से सटे ठाणे जिले में कल बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 20 पहुंची। पूर्वी लद्दाख में तनाव करने के लिए भारत चीन के सैन्य कमांडरों की बातचीत 14 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग लेक के फिंगर इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा। आरोपी सफूरा जर्गर की चैट के मुताबिक दंगे से एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा गया था जब तक दंगा नहीं होगा कोई नहीं सुनेगा। मोदी सरकार के रोजगार के वादे को पूरा न किए जाने से नाराज कश्मीरी पंडित श्रीनगर के गणपति मंदिर में धरने पर बैठे। फिल्म बनाने का ऐलान करने वाली कंगना क्या इनका दर्द सुनेंगी। बिहार चुनाव में आरजेडी को समर्थन देगी समाजवादी पार्टी, अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सरकार ने आपदा नियंत्रण संशोधन बिल में किया बदलाव, किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ पर हमला गैर जमानती अपराध। कोरोना की वजह से वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे भक्तों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकेंगे प्रसाद। आईपीएल में विराट कोहली की बैंगलोर टीम ने हैदराबाद को 10 रन से हराया, युजवेंद्र चहल रहे जीत के हीरो। फैन ने बनाया ऋतिक का पेंसिल स्केच, ऋतिक ने सोशल मीडिया पर स्केच शेयर कर लिखा शुक्रिया। प्रियंका चोपड़ा ने रेड ड्रेस में शेयर किया अपना वीडियो, वायरल हुआ प्रियंका का ये वीडियो।